गुड मॉर्निंग भाई साहब, धोलावीरा में आपका स्वागत है। गुजरात रन ऑफ कच्छ का इलाका ये, और ये जो पीछे साइट है ना, ये है धोलावीरा वाली साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने सबने पढ़ा होगा, बहुत बंदों ने पढ़ा होगा, नहीं तो सुना तो होगा ही, नहीं सुना है तो दोबारा पढ़ लेना। और चमन पाजी ने बोला था सुबह सुबह 8 बजे आके उठाऊँगा आपको। उठाऊँगा क्या, यहाँ पर आके आपको लेके चलूँगा। पाजी तो मेरे को लग रहा है सो रहे हैं, 9:30 बजे का टाइम होने वाला है। टूरिस्ट भी आने लग गए हैं, वैसे तो गाइड वाइड हैं पाजी अपने चमन। यहाँ पे किसी ने कॉन्टैक्ट करना है तो कर लेना। तो धोलावीरा साइट के बिल्कुल सामने ये अपने रात को टेंट लगाया था। अंकल को आप जो अभी देख रहे हो, उन्होंने मतलब जगह दी थी यहाँ पे, खाना वाना सब यहीं पे उनके घर पे खाया था। और इनको थोड़ा सा दाना वगैरह डाला था सुबह सुबह चिड़ियों को। इनका तो ब्रेकफास्ट हो गया, अपना तो हुआ नहीं, अपना पता नहीं कब होगा। बाकी मस्त प्लेस है, सनराइज़ सब यहीं पर होता है। यहाँ पे आगे पुराने जो फॉसिल हैं, और ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन पीछे मेरे बिल्कुल। धोलावीरा इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक ही शॉप खुली हुई यहाँ पे, एक ये वाली है कुछ सामान छोटा मोटा लेने वाली, जैसे यहाँ की कुछ निशानी होगी अपने गुजरात की। और वो है सामने जहाँ पे अपने रात को टेंट लगाया था, कुछ पाजी वहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पहले भी एक बार आया हूँ, तब गर्मियों का टाइम था तो यहाँ पे कोई था नहीं, सिर्फ अंदर एक पाजी बैठे हुए थे जो सिक्योरिटी गार्ड थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमा था, यहाँ पे कैंपिंग, तभी मेरे को चमन पाजी मिले थे। और ये जा रही है लेबर, कौन रह गया, सारे उठ पड़े। ये अपने प्रभात अंकल, क्या हाल है अंकल? बस ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ये है दुकान, अकेली दुकान है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई दुकान नहीं है। और बाकी ये सारी जो ज़मीन है ना, ये अंकल की ज़मीन है, अंकल का घर भी साथ में ही है, बिल्कुल साइट के बिल्कुल सामने ये है। और यहाँ पे अपने रात को टेंट लगाया था, अभी ये सामान वान पड़ा है। बस चमन पाजी की उड़ीक हो रही है, उनको जल्दी जाग लगेगी तो जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो आज चमन पाजी के साथ ही घूमेंगे सारा जो ये रन वाला इलाका है ना, जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, जो भी वो दिखाएंगे रात को, उसके साथ ही फिर रुकेंगे यहाँ पे उनके खेत में। एक वो नहीं होता पुराने टाइम वाली जो झुग्गी टाइप है, वहाँ पे रुकेंगे। तो बस पाजी की उड़ीक है। बाकी तो धोलावीरा के बारे में पढ़ना, आपको बहुत कुछ आइडिया लगेगा। और यहाँ पे सिर्फ 3-4 मंथ का ये सीज़न होता है, 4 या 5 को मंथ का होगा सर्दियों वाला, बाकी इसी यही काम चलता है। और एक फेस्टिवल चल रहा है उधर दूसरी साइड रन के, जो कुछ वाला दूसरा साइड है, वहाँ पे शायद एक रास्ता निकला है, 65 किलोमीटर का रास्ता है। अगर 1-2 दिन के बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो ही चाय करके जाएंगे, अगर फेस्टिवल देखने का मौका मिला तो। बाकी ये है प्योर गुजरात। और ये जो सड़क जा रही है ना सामने, ये आगे पुराने जो फॉसिल हैं आज से करोड़ों साल पुराने, वहाँ से होते हुए मतलब ये टापू में जो 12 गाँव है, ये लास्ट गाँव है, आगे एक छोटा सा गाँव पड़ता है, वो भी यहाँ से शिफ्ट होके लोग वहाँ पर बसे हुए थे। तो यहाँ से आगे पड़ जाता है बॉर्डर, जो गुजरात पाकिस्तान का बॉर्डर है, और वहाँ पे आर्मी होगी, आपको पता है बॉर्डर है तो आर्मी होगी, वहाँ पे ज़्यादा जाने नहीं देते, चौंकी वोंकी होगी। बस उड़ीक चल रही है पाजी की। बहुत अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने लाया से टेंट रहती है प्याज, इतों खाना वाना खादा। तो 10 बजे का टाइम होने वाला, टूरिस्ट तो आ गया, चमन अपना गाइड जरा रह गया वो नहीं आया। 10 बज गए, चाय देखो, आ देखो कोला है ना, कोला, कोले नाल चाह बना दे, बड़ा पुराना सिस्टम है कोले नाल चाह बनाना आज दे टाइम दे विच। ते एक ना इंटरेस्टिंग गल है, जिहड़ी सारी जमीन हैगी है ना धोलावीरा दे साइड दे बिल्कुल सामने, ये पाजी दी जमीन है, ठीक है। मैं पाजी भी बोल देना, अंकल भी बोल देना, जो मन करदा ना उही बोली जाना, मैनू कोई टेंशन नहीं होनी हैगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन दा इलाका मस्त प्लेस है यार, पर गर्मियां दे विच इत्थे कोई नहीं हुंदा, 4 तो 5 महीने सीज़न हुंदा, सर्दियों वाला सीज़न हुंदा मेन, तो उस तो बाद कोई नहीं आता, मेरे वर्गे कदे कदे शलारू बंदे जिहड़े आ जांदे हुंदे आ, चाह पींदे एक बारी। अपने चमन पाजी पधार चुके चमन पाजी वेलकम टू अमन विडास चैनल।
अरे ताज पोछी होगी। थैंक यू सर, लव यू, शुक्रिया। थोड़ी देर बाद ना अपना जी साइट आ साइट के अंदर चलांगे। भाजी और गाइड है तो अपन गाइड करे अज का दिन अपने नाल ने, रात को भाजी नाल ही रुकांगे। ठीक है, हाँ भाजी गाइड बैठे भाजी मैं दोस्त है। अच्छा दोस्त है, ये गणपत है, गणपत राय। और ये 7 साल की उम्र का था तब से गाइड का काम कर रहा है। अच्छा गणपत भाजी, हेलो सर। हेलो, बढ़िया। अब म्यूजियम 10 बजे 9 बजे फ्राइडे बंद रहेगा। और रे क्लोज रहेगा। ठीक चलो कोई ना, क्या कर सकते, मानी जाती। हाँ 1800 साल इसको हो गया दफन होके। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। पत्थरों के बीच में ऐसा मिट्टी डाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो नंबर 3 नंबर जैसे ब्रिक बनती है और बाकी की साइड।